हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल। फ्रेंड आज हम करेंगे कैलकुलेशन ट्रिक। फ्रेंड्स लास्ट लेक्चर में हमने की थी कुछ स्केयर की ट्रिक और आज हम करेंगे मल्टीप्लाई की ट्रिक्स। सबसे पहले हम करेंगे ट्रिक फर्स्ट। फ्रेंड कोई भी दो डिजिट नंबर जैसे 23 की मल्टीप्लाई 27 से हो तो इस कंडीशन में लास्ट दोनों डिजिट का सम 10 होना चाहिए और ये दोनों डिजिट 10th प्लेस वाले डिजिट सेम होने चाहिए और सम ऑफ 1th प्लेस 10 होना चाहिए। ये दोनों सेम होने चाहिए तो इसका 7 × 3 = 21 और बचा हुआ नंबर 2 का बड़ा नंबर 3 तो 2 की मल्टीप्लाई 3 से कर देनी है 6। 6 × 2 = 1 आंसर है। सेम एग्जांपल 64 × 66। फ्रेंड्स सम ऑफ वंस प्लेस 10 एंड 10th प्लेस वाला नंबर सेम होना चाहिए 6। तो फ्रेंड्स 6 × 4 = 24 और 6 का नेक्स्ट नंबर 7 तो 6 की मल्टीप्लाई 7 से 7 × 6 = 42। फ्रेंड्स और नंबर ले लेते हैं जैसे 56 × 54 सेम 10 और सेम ये दोनों नंबर सेम है 5 तो 6 × 4 = 24 और बचा हुआ नंबर 5 का नेक्स्ट 6 तो 6 × 5 = 30। फ्रेंड्स और एग्जांपल ले लेते हैं जैसे 17 × 13 तो 7 × 3 = 21 और 1 से बड़ा 2 1 की मल्टीप्लाई 2 से 2 × 1 = 2 तो 2 × 2 = 1। फ्रेंड्स अब हम करेंगे नेक्स्ट ट्रिक। फ्रेंड्स अब हम करेंगे नेक्स्ट ट्रिक ऐसे नंबर जो 100 के आसपास हो जैसे 94 × 96। तो फ्रेंड्स इन नंबरों को 100 के पास पहुंचाने के लिए 94 में 6 ऐड करने पड़ेंगे और 96 में 4। अब फ्रेंड आपने या तो 96 में से 6 माइनस कर लो या फिर 94 में से 4 माइनस कर लो, सेम रिजल्ट आएगा। 96 में से 6 गए तो 90। अब जो दो नंबर है उन दोनों नंबरों की मल्टीप्लाई कर दो 6 × 4 = 24 तो ये आपका आंसर है। सेम 92 × 98 ले लेते हैं तो इसमें 8 ऐड करने पड़ेंगे 100 बनाने के लिए तो इसमें 2। सेम प्रोसीजर फ्रेंड्स आप जहां तुम 92 में से 2 माइनस कर लो या 98 में से 8 माइनस कर लो सेम रिजल्ट आएगा। तो 98 में से 8 गए 90 तो 8 × 2 = 16 तो 9016 आंसर है। सेम फ्रेंड्स 93 × 97 ले लेते हैं तो सेम 93 में 7 ऐड करेंगे और इसमें 3 तो 97 में से 7 गए 90 और 7 × 3 = 21 आंसर। फ्रेंड्स और नंबर ले लेते हैं 89 × 92 ले लेते हैं तो इसमें 11 आएगा इसमें 8 आएगा तो 92 में 11 गए तो 81। अब 11 × 8 = 88। सेम फ्रेंड कोई भी नंबर होगा आप इस तरह से निकाल सकते हैं। अब हम करेंगे ट्रिक नंबर 3। फ्रेंड्स अब हम करेंगे 100 से आगे वाले नंबर जैसे 102 × 104। तो फ्रेंड्स 1 का 1 ही आएगा, ये ट्रिक मैंने स्केयर में भी करवाई है। तो बचे हुए नंबर पहले प्लस करेंगे फिर मल्टीप्लाई करेंगे आपस में दोनों को तो 02 + 04 = 06 नेक्स्ट मल्टीप्लाई 4 × 2 = 8 = 08 ये आंसर है। सेम फ्रेंड 106 × 103 कर लेते हैं तो 1 का 1 ही आएगा, पहले स्टेप में इन दोनों को प्लस करेंगे 603 909 फिर 6 × 3 = 18। सेम फ्रेंड्स 102 × 107 ले लेते हैं तो 1 का 1 ही आएगा,
फिर इन दोनों को प्लस करेंगे 702 9 देन 72 या 14। फ्रेंड्स ऐसे कोई भी नंबर होंगे आप इस ट्रिक से निकाल लोगे। अब हम करेंगे ट्रिक नंबर 4। फ्रेंड्स कोई भी नंबर जो 33 से मल्टीप्लाई हो, जैसे 9 मल्टीप्लाई 33, तो सेम 33 को तोड़ लेना है 3 × 11। तो 9 × 3 27, 27 मल्टीप्लाई 11, तो सेम 7 का 7 आएगा, 7 और 2 9 आएगा और 2 का 2 आएगा। सेम फ्रेंड्स 12 मल्टीप्लाई 33, तो 12 मल्टीप्लाई 3 × 11, तो सेम 12 × 3 36, तो 36 × 11, तो 6 का 6 आएगा, सेम 6 और 3 9 और 3 का 3 396 आंसर। सेम फ्रेंड कोई भी नंबर मल्टीप्लाई 44 से हो, 55 से हो, 66 से हो, 77 से हो, सो ऑन, तो यही ट्रिक लगेगी। फ्रेंड्स अब हम करेंगे नेक्स्ट ट्रिक। फ्रेंड्स कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करे 5 से, जैसे 22 मल्टीप्लाई 5, तो हमने लिखना है 22 मल्टीप्लाई 5 को हम लिखेंगे 10/2, तो 2 11 से कट जाएगा, तो 11 × 10 सिंपल 110 आंसर। सेम फ्रेंड 12 मल्टीप्लाई 5, तो 12 मल्टीप्लाई 10/2 लिखेंगे, 6 × 10 = 60। सेम फ्रेंड बड़ा नंबर ले लेते हैं कोई, जैसे 90 मल्टीप्लाई 5, तो 90 मल्टीप्लाई 10/2 45 से कटेगा, तो 45 × 10 450। फ्रेंड अब हम करेंगे कुछ डिवाइड की ट्रिक। फ्रेंड्स अब हम करेंगे कुछ डिवाइड की ट्रिक्स। तो सबसे पहले कोई भी नंबर जो डिवाइड हो 5 से, एग्जाम्पल 23/5, तो फ्रेंड्स इसे हमने लिखना है 23 × 2/10। फ्रेंड्स 2/10 ही होता है 5, तो इसका 23 × 2 आएगा 46/10, तो 4.6 आंसर आ जाएगा। सेम फ्रेंड और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे 32/5, तो फ्रेंड इसे हम लिखेंगे 32 × 2/10, तो 32 × 2 64, तो 64/10, तो 6.4। फ्रेंड जब आप और एग्जाम्पलिंग करोगे तो आप डायरेक्ट यहां से सीधा आंसर लिख दोगे। फ्रेंड्स अब हम करेंगे कोई भी नंबर जो डिवाइड करे 25 से, जैसे 80/25, तो फ्रेंड इसे हम लिखेंगे 80 × 4/100। फ्रेंड्स जो नंबर डिवाइड करे 5 से उसे हमने लिखना 2/10, 25 वाले को लिखना 4/100, तो 80 × 4 आ जाएगा 320। 320/100, 0 से 0 का आंसर, तो 3.2 आंसर। फ्रेंड्स सेम ट्रिक चलती रहेगी ऐसे ही। फ्रेंड्स ये था आपका कैलकुलेशन ट्रिक्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे स्क्वायर रूट और क्यूब रूट। ओके क्लास, थैंक यू।